जय भारत। एक अधिकारी पूर्वांचल प्रयागराज DIG प्रयागराज महाभ्रष्ट महा लुटेरा सच्चाई को कैसे दबाया जा रहा है तो सीखना हो झूठ फरे लूट घसोट तो इस अधिकारी से सीखना चाहिए। लेकिन सरकार में बैठे हमारे मंत्री महोदय बाकी थे एक नंबर के बैठे सरकार तक अधिकारी एक नंबर के होमगार्ड का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार के बैठे मंत्री जी हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, होमगार्ड की ओर किसी तरीके का संज्ञान इनके द्वारा नहीं लिया जा रहा। ये जान पड़ रहा है कि ये होमगार्ड अनाथ हैं, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। कहते हैं कि यदि इनका ज़्यादा पावर बाद ज़्यादा कुछ दे दिया जाएगा तो ये फिर इनसे लूट घसोट और घर का कामकाज जो कर लेते हैं अपना निजी कार्य लेते हैं वो नहीं हो पाएगा। फिर किस कदर से इस वर्दी को शर्मसार किया जा रहा है। वो महान भ्रष्टाचारी अधिकारी वो है संतोष सुचारी प्रयागराज पूर्वांचल के DIG। मैं कब से इस बात को उठा रहा हूँ कि ऐसे अधिकारी को तत्काल ट्रांसफर करते हुए दूर जैसे DIG रंजीत सिंह का किया गया डिमोशन करके ऐसे दूर भेजा जाए और इनकी जांच करके इनके खिलाफ सीधा सीधा मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए। अब तो सबूत की ज़रूरत नहीं। मिर्ज़ापुर में जांच चल रही थी शशिकांत प्रजापत की, जो भर्ती हुए गोंडा से फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगा के ट्रांसफर करवा लिए पावर और पैसे के बल पर मिर्ज़ापुर में। ऐसे एक प्रयागराज से भदोही ट्रांसफर हुए हैं अजय कुमार यादव 112। किन आधार किन सा ऐसे तमाम प्रदेश में ट्रांसफर लखनऊ में तमाम ट्रांसफर होके आए हैं। ये किस नियमावली किस कानून के तहत ये ट्रांसफर हो रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए इस पे शशिकांत पे जांच करके जिला अधिकारी अपनी रिपोर्ट लगाए हैं, पुलिस अधीक्षक गोंडा लगाए हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष उन्होंने रिपोर्ट लगाई है, चेयरमैन लगाई है, सभासद लगाए हैं कि यहाँ के इनका जन्म स्थान और ना कोई निवास स्थान इनका है। एक कौन दे रहे हैं जो महाभ्रष्ट महालुटेरा वो संतोष सुचारी DIG प्रयागराज पूर्वांचल
कि नहीं वहाँ ये उनके पक्ष में शशिकांत के रिपोर्ट लगा रहे हैं, तो उसमें क्या देखने मिला? क्या अभी नहीं सोच सकते हो? अभी नहीं जानते हो? इतने लोग दे दिए उसके खिलाफ, क्या इस पे जांच होनी चाहिए? इनकी जांच जो दिए हैं संतोष सुचारी, इस पे जांच होनी चाहिए। आज यही कारण है कि पुलिस के भी जब अपने जवान का सम्मान, वर्दी का सम्मान गिरा रहे हैं पैसे के आगे, तो पुलिस भी सोचती क्यों ना इनसे अनलीगल काम लिया जाए। अभी देखिए बहराइच में पीआरडी और होमगार्डों से यातायात, बहराइच में उनसे गिट्टी कुटाई जा रही, उनसे गुड़ाया जा रहा है, उनसे पुताई कराई जा रही वर्दी पर, तो क्या इनको ये प्रतिक्षण दिया गया है कि इनके घर का और इनका निजी काम किया जाए? अभी वो भी देख लो, ये भी क्या झूठ है, सामने है आप सब लोगों के, तो क्या इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जैसे संतोष सुचारी दे दिए अपनी तरफ से, कि ये सब झूठ है, और वो अधिकारी, जिला अधिकारी जो दे रहे हैं वो उनसे बड़े हैं, मुखिया जो जिले का होता है उसने शशिकांत के खिलाफ रिपोर्ट लगा दी है, पुलिस का तान लगा दिए हैं बहराई ये गोंडा के, नगर पंचायत अध्यक्ष लगा दिए हैं शशिकांत के, कि यहाँ के निवासी नहीं, वहाँ चेयर, वहाँ सभासद लगा दिए हैं, वहाँ का लेखपाल रिपोर्ट लगा दिया है। तो ये सांच है और ये गोंडा से ये सब अधिकारी झूठे हैं, इस पे संज्ञान लिया जाए? पूरे प्रदेश में होमगार्डों के साथ इतना अन्याय, इतना अधर्म, इतना जुल्म ढाया जा रहा है, इस वर्दी का इतना अपमान, इतना शर्मसार किया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा, पैसे के आगे अपने फायदे के लिए वर्दी इस लिए दी जाती, ईमानदारी काम करने के लिए, हम गलत करेंगे नहीं, गलत सहेंगे नहीं, और गलत करेंगे तो हम इस वर्दी के लिए हम क्यों ना हमारा वो कफन बन जाए, हम उसमें लिपट जाएं, लिपटा दिए जाएं, लेकिन हम अपनी वर्दी को शर्मसार नहीं होने देंगे। तो उत्तर प्रदेश के जवानों से मेरा निवेदन है, बहराइच का मैटर देख करके आप लोगों के अधिक थोड़ी सी नैतिकता, थोड़ी सी शर्म, वर्दी का सम्मान करने का आपके अंदर जज्बा है, और ये झूठे अधिकारी संतोष सुचारी DIG प्रयागराज, ये झूठा दे रहा है, इस पर जाँच इसकी होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कदम उठा के मुकदमा पंजीकृत कर देना चाहिए। ये ताना साह हो गए, और मंत्री महोदय का क्या कहना है, वो बैतनी का ऐसा आशीर्वाद दे दिए हैं कि जाइए मौज करिए, ये वो मस्त जो मन चाहिए वो करिए, तुम्हारे सारे गुनाह हमारी तरफ से माफ हैं। लेकिन होमगार्ड के लिए अगर वो उनके पास जाता है, मंत्री महोदय के पास, तो वो कहते हैं नेता हो, पहले ही पायदान पर उनको डराने का काम मंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा। वो लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्यों? ये जो अटैची जाती हैं, इनने सोचते हो क्या जाता है, हमें कहने की जरूरत ना है। जितना जो गुरु अटैची होगा उतना सम्मान, उतना प्रमोशन उसको सरकार के द्वारा बैठे मंत्री जी दिलाने के लिए तात्पर हैं।
वही तिस शोषण अन्याय अत्याचार सहने वाला होमगार्ड के साथ अत्याचार हो रहा, वो अपनी वृथा कथा कहने सुनाने जाता है तो उसको नेता कहा जाता है। अभी देखिए तथा कथित अपी सरसमेश के कारनामे, फर्जी एसोसिएशन बना के, और गल यही होता है कि फंसेंगे तो अपनी एसोसिएशन से वो कहेंगे एसोसिएशन अल्टीमेटम कर ले दे देगी और उधर वो पैसा पाए रहे, उनकी बात को तत्काल अफिसर एसोसिएशन को मान लिया जाए। जैसे गिरिराज सिंह गाजियाबाद सत्रह थाने में FIR दर्ज है, आज भी दर्ज है, क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया जाता है। ये अल्टीमेटम रंजीत सिंह दिए थे, अध्यक्ष थे इस तथाकथित एसोसिएशन के, इन्होंने धरना दिया था, भूख हड़ताल किया था पिछले साल, और हो और उस समय जेल गए थे कमांडेंट, उनकी जगह पर सीतापुर से कमांडेंट आए, वो भी भूख हड़ताल किए थे, आज मेरे पास साक्ष्य रखे हुए हैं। तो इनकी इनसे मांगा गया भी कि आपकी किस एनजीओ किस अधिकारी के द्वारा मान्यता दी गई है जो आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आप भी राज कर्मचारी हैं और अधिकारी कर्मचारी हैं, आप नहीं बना सकते। जैसे पुलिस हाई कोर्ट गई थी, वो राज कर्मचारी हैं अधिकारी हैं, उनके एसोसिएशन खारिज कर दी गई, ऐसे इनका कैसे बन गया। और हमारी तो हमें लेबर माने हो तब हमारी एसोसिएशन को मान्यता दिया है माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव शैलेश कृष्ण जी, उसी आदेश को लेके पंजीकृत कराने गए और ये होमगार्ड के मुख्यालय के अधिकारी प्रमुख सचिव प्रेशर डाल दिए, पंजीकरण से मना कर दिया। उसी आदेश को हाई कोर्ट ले गए, हाई कोर्ट कहा इनको राज कर्मचारी मानते हो तो लिख के दो, अगर लेबर मानते हो तो इनको अधिकार दिया जाएगा, इनके साथ शोषण अत्याचार होगा। तो विभाग और मुख्यालय सरकार नहीं मांगेगी तो कानून की चौखट खटखटाने का अधिकार दिया जा रहा, संघ की जगह एसोसिएशन की अधिकार दिया जा रहा, इनको दे दिया आदेश हुआ नहीं किए, कंटम कोर्ट किया गया, तत्काल रजिस्ट्रार इसको पंजीकृत करते हुए प्रमाण पत्र दे दिया, इसको गैर मान्यता कहते हैं। अभी अपील में गए वहाँ के आयोग अध्यक्ष महोदय ने इनसे मांगा कि इनको दीजिए, नहीं दे पाए, 25,000 का कास्ट हुआ। अभी मैं सरकार को दे रहा हूँ लगा के आदेश कि इनके खाते से 25,000 काट करके भेजे जाए। अध्यक्ष आयोग के बाद ताकि एसोसिएशन के खजाने में जाए। तो ये जो है इनको 420 का भी मैं मांग करूंगा, इनके पर मुकदमा कायम किया जाए और उस गिरिराज सिंह कमांडेंट को गिरफ्तार किया जाए। 17 थाने ये मास्टर रोल का भ्रष्ट का ज़्यादा कम जमान लगा के ज़्यादा दर्शा के मास्टर रोल पैसा तमाम कतने करोड़ रुपए चूना सरकार के लगाए और होमगार्डों को लूटा। फिर इनके खिलाफ ये मैं भी सरकार से मांग करूँगा गाजियाबाद कमांडेंट गिरिराज सिंह के खिलाफ जांच करते हुए और इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अब जांच क्या मुकदमा है, पहले इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो गलत तरीके धरना प्रदर्शन करने का इन्होंने किया था। गिरिराज सिंह किशोर गिरफ्तार किए गए तो हड़ताल पूरे प्रदेश में कर देंगे बैठने वाले, तो इनके खिलाफ जो धरना दिए इनके खिलाफ भी कर रहा भाई होनी चाहिए। तो ये संतोष सुचारी जो जांच करके दिए हैं लगाए हैं, इस पर हम जांच मांगेंगे और जांच देते हो इनके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए, इनका दूर ट्रांसफर इनके रहते जांच नहीं हो पाएगी, इनका तत्काल ट्रांसफर किया जाए। और अभी बैठक चल रही है मुख्यालय पर, क्योंकि चुनाव था, ट्रांसफर का समय आ गया है,
इस समय जो जितना पैसा लंबा देगा उसका रुकेगा, और यही कारण है तमाम समय से रुके, 10-10, 20-20 साल से एक जगह रुके, भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत कर लिए। ऐसे अधिकारियों को तत्काल, ऐसे कर्मचारियों को, पेट के अधिकारियों को तत्काल इनका ट्रांसफर किया जाए, ये शोषण मांग करती है। मैं अभी सरकार को सीधा भेजूंगा, लोकायुक्त भेजूंगा, और इस कमाने इस DIG को छोड़ा नहीं जाएगा, गिरिराज सिंह को छोड़ा नहीं जाएगा। बहराइच में जो ईंटा गारा करवा रहे हैं वर्दी पर, वर्दी को शर्मसार तौहीन कर रहे हैं पैसे के आगे, उस अधिकारी के खिलाफ चाहे वो पुलिस का हो चाहे वो विभाग का हो कार्रवाई की जाएगी। यही पश्चिम में मुजफ्फरनगर शामली में वहाँ पर कमांडेंट और वहाँ के कंपनी कमांडर जो ऐसे ये सब मिलके लंबा लंबा पैसा लेके और बराबर होमगार्डों को चलाया जा रहा है एक ही जगह पर, बहुत अत्याचार हो। लेकिन होमगार्डों को क्या बताएं, मुझे खबर सब है लेकिन वहाँ से आते नहीं, ऐसा धिक्कार है। वर्दी पर गारा और ईंटा टूरना, गिट्टी बनाना, वहाँ साफ सफाई करना, धिक्कार है तुमको, चुल्लू भरे पानी में डूब मरो ऐसे जवान, ये वर्दी धारण किए हो, इसको तुम शर्मसार कर रहे हो, मर जाना है लेकिन इस वर्दी को झुकने नहीं देना है, चाहे इसमें हमारा कपन या वर्दी क्यों ना बन जाए, कसम खा लो, सौगंध बन जाओ ले लो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे यदि मुझे साथियों के साथ दे रहे हैं, मैं उस अधिकारी, कोई भी अधिकारी चाहे पुलिस का हो चाहे वह विभाग का, छोड़ा नहीं जाएगा, इसकी आवाज़ उठनी चाहिए। अगर अपना कल्याण कहते हैं, इनको अगर कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो ये घरों का काम कौन करेगा, ये खाना कौन बनाएगा, सब्जी कौन लाएगा, कपड़ा कौन धोएगा, कुत्ता का कौन नहलाएगा, टेबल कौन साफ करेगा, पानी कौन लगाएगा, कपड़े कौन धोएगा, कपड़े प्रेस कौन कराएगा, ये सब ये मतलब अपना निजी तुमको मान कर के मजदूर तुमसे लिया जा रहा, तुम किसी के नौकर ना हो, सरकार के नौकर हो, वर्दी तुम्हें सम्मान के लिए दी गई है, जो गलत करता है उसको तत्काल उसके पर हावी होके उसको दंड दिलाने के लिए हो या वर्दी है, ना कि ये गारा गिट्टी बनाना, गारा ढोना और साफ सफाई करना, फड़ुहा लेके खुदाई कराना, इसके लिए वर्दी नहीं है। तो आप लोग अगर तन को तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर तुम्हारे ब्लड है तो गर्मी आ जानी चाहिए, सौगंध ले लो, मैं इस वर्दी को झुकने नहीं दूंगा, और भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। संतोष सुचारी जैसे महाभ्रष्ट, महालुटेरा, महाडकैत, ददुआ कहा जाए वो भी कम है, इसको तत्काल इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। यदि नहीं तो हम पूरे प्रदेश में आवाज देके और ये मुख्यालय जरूरत पड़ी तो घेरने का कार्य भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, रिप्लाई दें आप लोग।